हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज बायबैक का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया था। आज वापस से लेक्चर नंबर 1। What was lecture number one? When offer price is given, when offer price not given, तो हम find करते थे number of shares to be buyback। उसमें journal entries नहीं किया था, याद है क्या? नहीं तो अभी हम लोग क्या करने वाले, same वो question वैसा आएगा, when offer price given है या offer price not given है, तो उसको कैसे solve करेंगे और उसका journal entry कैसे आने वाला है। Question देखते दिया क्या गया है, the balance sheet of Ketan Limited, a non-listed company, As on 31st of March 2015 is given to you. Balance sheet में equity shares है, 10 रुपए वाला, total है 6 लाख। मतलब कितने shares है मेरे पास? 6,000 या 60,000? 60,000 shares है, एक का value 10 है। फिर preference shares है, securities premium, general reserve, profit and loss. Keeping in view all legal requirement, ascertain the maximum equity shares that Ketan can buy back at 50 per share. Certain मतलब फाइन करो, क्या फाइन करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स केतन कैन बाय बैक। अब तक क्वेश्चन था उसमें बोला जाता था 25%, 20%, 30%, जो भी है, नॉट मोर देन 25%, ये तो ध्यान में रखना। तो आप 25% से कम ही बायबैक कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में प्रणव हमको बोला है कितने शेयर बायबैक करने हैं पता नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमको वही फाइन करना है, असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स केतन कैन बाय बैक एट 50 पर शेयर। करन एट 50 पर शेयर का मतलब ये, मेरे शेयर्स का वैल्यू तो 50 रुपए है, सॉरी 10 रुपए है, कितने में बायबैक करने बोल रहा है, 50 है, मतलब 40 रुपए क्या मांग रहा है, प्रीमियम। तो बायबैक किस पे होने वाला है, प्रीमियम पे। बात समझ में आया? अरे हाँ, बट कितने शेयर ये मालूम है क्या? नहीं, ऑफर प्राइस दिया है बट नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है। व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, फॉर्मेट तो ये है, चार कैलकुलेशन। पहला है सोर्सेस यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, फिर 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये चार में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा उसको हम ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक जो 1, 2, 3, 4 होगा उसको डिवाइड करेंगे ऑफर प्राइस से, तो अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय बैक। समझा? याद आया ना, ऐसा कुछ किया है। तो सबसे पहला सोर्सेस, सोर्सेस में ये रिजर्व हम पहले से लिख के रखते हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस है क्या क्वेश्चन में? हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो जनरल रिजर्व कितना है, 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 1,80,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000, सबको एड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 लाख, इसका टोटल आ गया 5 लाख। एनी डाउट? पहला कैलकुलेशन, अब सोर्स से ही ओन फंड मिलेगा, तो सेकंड कैलकुलेशन 25% ऑफ ओन फंड, जिसमें सबसे पहला लिखेंगे सोर्सेस। तो सोर्सेस कितना है, 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, है 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, हाँ है 1.5 लाख, बराबर है, ऐड कर लेंगे 12,50,000, इसका टोटल है 12,50,000, लेकिन अपने को सिर्फ 25% ऑफ ओन फंड चाहिए। तो 12,50,000 का 25% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, 3,12,500। कैलकुलेशन नंबर, समझाइए पक्का? हाँ, जो आपका टोटल ओन फंड है, देखो एक दूसरे पे, सोर्सेस से ओन फंड मिलेगा, ओन फंड से मिनिमम फंड मिलेगा, तो टोटल ओन फंड कितना है, 12,50,000। तो इसका चालू होता है मिनिमम ऑफ ओन फंड में, पहला लिखना है ओन फंड, ओन फंड है 12,50,000, माइनस करने का 50% ऑफ डेब्ट, डेब्ट मतलब बोरोड फंड, तो कटकर बोरोड फंड में क्या है, 10% डिबेंचर्स कितना है, 10 लाख, टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक कितना है, 8 लाख, टोटल कितना हो गया, 18, 18 का 50%, समझ में आ गया? हाँ, जो भी बोरोड फंड होता है, जो भी लोन होता है, वो सब बोरोड फंड में आता है, डेप्ट में आता है, उसका टोटल का हाफ करने का है, तो 10 और 8, 18 लाख, 18 लाख का 50% 9 लाख, समझाइए? हाँ, 12,50,000 में से 9 लाख जाएगा तो कितना आएगा, 3,50,000, ये हो गया तीसरा कैलकुलेशन, अंडरस्टूड? चौथा कैलकुलेशन, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल में क्या करने का, तो जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स है,
6 लाख नहीं 60,000 शेयर है, 60,000 का 25% निकालो, 60,000 का 25% 15,000 इंटू ऑफर प्राइस, हमारा ऑफर प्राइस कितना है 50, तो यहां पे आएगा 15,000 इंटू 50 करोगे 4.5 तो 7,50,000, समझ में आ गया ये। अब इन चारों अमाउंट में सबसे कम अमाउंट क्या है, समझ में आया, तो सबसे लीस्ट अमाउंट है 3,12,000, उसे हम डिवाइड करेंगे ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस कितना है 50, डिवाइड करो कितना आ रहा है 6,250, तो हमें कितने शेयर्स बायबैक करने हैं 6,250, समझा? हाँ क्लियर। अब हमारा वर्किंग जैसा सब सब में बनाते थे वैसा कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन में, वर्किंग में वही सेम चीज, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम बायबैक, शेयर प्रीमियम, फ्री रिजर्व, कितना बायबैक करने का है 6,250 शेयर्स, बराबर है। फेस वैल्यू कितना 10, मतलब कैपिटल वैल्यू कितना 10, तो 6,250 इंटू 10 करोगे 62,500। हाँ बट क्या 10 में बायबैक कर रहे हैं, कितने में बायबैक कर रहे हैं, तो 40 रुपया प्रीमियम है, तो 6,250 इंटू 40 2,50,000 प्रीमियम, अंडरस्टूड? देखते कोई फ्रेश इश्यू वगैरह किया है क्या, अज्यूमिंग दैट बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 3 लाख वाज सोल्ड फॉर 3,20,000 आफ्टर बायबैक पास जर्नल एंट्रीज, मतलब कोई फ्रेश इश्यू किया है क्या, नहीं तो अपने पास पूरा का पूरा रिजर्व है, तो पहले 2,50,000 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में देख लो कितना है 1,20,000, तो पूरा 1,20,000 तो पहले इधर यूज हो गया, 2,50,000 चाहिए, 1,20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर लिया, अब और कितना चाहिए इधर 1,30,000, कहां से यूज करोगे जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व 1,30,000 यूज कर लिया, समझा? 2,50,000 हो गया, जनरल रिजर्व में कितना था 2,00,000, उसमें से कितना यूज हुआ 1,30,000, अभी भी कितना है जनरल रिजर्व में 70,000, अपने को कैपिटल में कितना चाहिए, तो जनरल रिजर्व ही यूज कर लेता हूँ 62,500, वर्किंग क्लियर, एनी डाउट? तो ये जब ऑफर प्राइस गिवन होता है तो ये बना दिया, इससे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया एंड देन कंटिन्यू किया, प्रोसेस ऑफ बायबैक क्या है समझा, अभी कहानी इसकी यही है, क्या ये पार्ट ऑफ आंसर है, इसको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है चलिए बढ़ते जर्नल एंट्रीज की तरफ। अब जर्नल एंट्रीज में सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या आने वाला है, फ्रेश इशू, नहीं सर सेल ऑफ असेट है या नहीं, असेट इन्वेस्टमेंट बेचा है ना, कितने में बेचा है, कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख वॉज सोल्ड फॉर 3,20,000, इन्वेस्टमेंट मेरे पास तो 6 लाख का है बट जो इन्वेस्टमेंट बेचा उसका कॉस्ट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट बेचा है उन्नति, तो इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है और बदले में क्या आ रहा है पैसा, उधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद, ठीक है तो इन्वेस्टमेंट जाएगा 3 लाख का, पैसा कितना आया 3,20,000, तो बाकी 20,000 मेरे लिए क्या है प्रॉफिट, तो यहाँ पे ऊपर नीचे अमाउंट हुआ है, खाली प्रिंटिंग मिस्टेक, तो टू इन्वेस्टमेंट में इधर आएगा 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा 20,000 क्योंकि पैसा आया है 3,20,000, समझा? अरे यस, एनी डाउट? इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद सबसे पहला एंट्री फ्रेश इशू है क्या, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कैपिटल एंड प्रीमियम दोनों हो जाएगा डेबिट, कैपिटल भी डेबिट होगा प्रीमियम भी डेबिट होगा, तो एंट्री है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 62,500, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2,50,000, दोनों पैसा किसको देने का है, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा 3,12,500, अरे बराबर समझा? उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम में क्या रिटर्न ऑफ हुआ, सिक्योरिटीज और जनरल रिजर्व दोनों को डेबिट कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000, टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना 2,50,000 रुपए, समझा? फिर CRR बनेगा, CRR किस चीज से बन रहा है, जनरल रिजर्व, डेबिट हो जाएगा टू CRR कितना 62,500, उसके बाद पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जर्नल एंट्री में कुछ नया तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे, ऑफर प्राइस था बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, डन सम, अच्छे से क्लियर है, पीछे ये वर्किंग बनाया वो समझ में आया क्या, क्लियर है इतना वर्किंग, देख लो ये वर्किंग के अंदर व्हेन ऑफर प्राइस गिवन 4 कैलकुलेशन करते फिर ये प्रोसेस ऑफ इट जनरेट, इसके बाद आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अभी नहीं करवा रहा हूं,
ना मैं इंटरनल का बैलेंस शीट करवाया ना मैंने बायबैक का बैलेंस शीट, वो एक साथ ही करेंगे, क्योंकि जब कंपनी फाइनल अकाउंट वाइट हो जाएगा उधर बैलेंस शीट बनाने की हैबिट हो जाएगी तो इसकी भी बैलेंस शीट साथ में बना लेंगे। उस टाइम पे अपन बायबैक का भी एक सम रिविजन भी लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। क्लियर है अभी के लिए इतना? क्लियर तो बैलेंस शीट के बारे में सोचो भी मत। डन, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सिमिलर बैलेंस शीट बना के दिया है, कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर। मतलब ऑफर प्राइस नहीं दिया है, कितने में बायबैक करने का बोला है क्या? पिछले में बोला था, इधर बोला है क्या? कितने शेयर्स बायबैक करने के बोला है क्या? नहीं। व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन, सेम कैलकुलेशन, बट जब ऑफर प्राइस नॉट गिवन है तो सिर्फ तीन ही कैलकुलेशन आएगा, 1, 2 and 3। ऑफर प्राइस गिवन है तो 4, नॉट गिवन है तो 3, सेम। क्लियर? चलिए सबसे पहला सोर्सेज, सोर्सेज में क्या चाहिए? रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन ही चीजें मेरे पास। तो सबसे पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है 5 लाख, जनरल रिजर्व 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, टोटल हो गया 25 लाख। कैलकुलेशन नंबर 1 क्लियर। इसी से चालू होगा मिनिमम ऑफ, सॉरी 25% ऑफ ओन फंड, सोर्सेज 25 लाख। इक्विटी कैपिटल है क्या? हाँ सर, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, सब वही है। कितना है? 25 लाख। प्रेफरेंस शेयर है क्या? नहीं, 25 और 25 50, बट क्या पूरा 50 लिखना है? नहीं, सिर्फ 25% लिखना है। तो 50 का 25% कितना आ जाएगा? 12.5, 12.5 बराबर है। तीसरा कैलकुलेशन ओन फंड से चालू होगा, 50 माइनस करेंगे 50% ऑफ डेप, डेप में मेरे पास सिर्फ एक ही है डिबेंचर, 25 लाख का आधा 12.5 लाख, 37,500। इन तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? ये समझ में आया? बट उसके पहले 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल का कैलकुलेशन करने का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है भाई? 25 लाख, मतलब 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख का 25% निकालो, इधर इंटू ऑफर प्राइस नहीं होने वाला है, तो 2.5 लाख का 25% निकालो, इंटू ऑफर प्राइस नहीं होगा, तो यहां पे मुझे मिला है नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितने शेयर्स बायबैक करने के? 60। क्यों सर? बाय रूल बायबैक 25% ही होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 25% ही निकलेगा। क्लियर? तो हम बायबैक कितना करेंगे? 62,500 ही करेंगे। अब कितने में करेंगे? तो ये तीन अमाउंट में सबसे अमाउंट कम कौन सा है? तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ 12,50,000 डिवाइड बाय 62,500 कितने में बायबैक कर रहे हैं? 20 रुपीज। हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना है? कितने में बायबैक कर रहे हैं? 20, मतलब 10 रुपया प्रीमियम। समझा सम? चलिए आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर, कितने बायबैक करना है? 62,500, कैपिटल वैल्यू 10, 6,25,000, प्रीमियम भी सेम 6,25,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है? 5 लाख, कितना चाहिए? 6,25,000। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया, अभी जनरल रिजर्व में से कितना यूज कर लेता हूँ? 1,25,000। सर क्या जनरल रिजर्व यूज किया? 10 लाख है, उसमें से 1,25,000 यूज कर लिया। डन, अभी भी उसमें अपने पास 9,75,000 बचेगा, 8,75,000, इधर कितना चाहिए? 6 लाख, आराम से हो जाएगा जनरल रिजर्व 6,25,000। समझा सम? पक्का जनरल एंट्रीज बना लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, कोई असेट बेचा है क्या? मतलब सबसे पहला फ्रेश इश्यू आएगा, है क्या? नहीं। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, दोनों डेबिट में जाएगा, कैपिटल भी डेबिट में, प्रीमियम भी डेबिट में। तो बायबैक ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 6,25,000। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 6,25,000। टोटल कितना हो जाएगा? 12.5 लाख बराबर है इक्विटी शेयर होल्डर। डन। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ, डेबिट में आएगा सिक्योरिटीज और जनरल रिजर्व, डेबिट में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, जनरल रिजर्व 1,25,000, टोटल प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट बराबर है। फिर CRR बनाएंगे, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। जनरल एंट्री फिक्स है, प्रोसेस सेम है, खाली अमाउंट बदलना है, एंट्री पूरा का पूरा सिमिलर है। डन, समझ में आया बायबैक क्या है, कहानी क्या है इसकी? क्लियर है? ऑफर प्राइस गिवन, नॉट गिवन, डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन, सब किया अच्छे से, पक्का। तो आज की क्लास में इतना ही करते हो, फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।